आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अरबी की बहुत ही टेस्टी और मसालेदार सब्जी की रेसिपी। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इस सब्जी को बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। आप इस सब्जी को रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट में भी ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है अरबी, तो ये बड़े साइज के अरबी है, तो मैंने यहाँ पे दो ले लिया है। तो अभी इसका ऊपर का जो छिलका है ना, इसे हटा लेंगे। तो इस तरह से इसका जो ऊपर का छिलका है पहले हटा लेंगे। तो आप चाकू की मदद से भी इस तरह से हटा सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक अरबी की छिलके को हटा दिया है। तो इस तरह करके ना, जो दूसरे अरबी के छिलके हैं इसे भी हटा लेंगे। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दोनों अरबी के छिलके को हटा लिया है। अभी इस तरह से एक चाकू लेंगे और इस तरह से आधा कर लेंगे और उसके बाद इसको इस तरह से कट कर लेंगे। तो आपको जिस तरह से कट करना है आप लोग कट कर सकते हैं आपकी पसंद से। तो मैंने यहाँ पे लंबाई से कट कर ली है, देख सकते हैं। तो आपको जिस तरह से कट करना है आप लोग कट कर सकते हैं। तो इस तरह करके सभी जो अरबी है ना, इसको कट कर लेंगे। देख सकते हैं मैंने सभी अरबी को कट कर ली है। अभी क्या करेंगे, इनको ना दो तीन बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो अभी लेंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने देंगे। जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाए इसमें डाल देंगे ऑयल और ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। तो जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए इसमें सभी अरबी को डाल देंगे। और सभी अरबी को डालने के बाद इनको अभी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जो पानी है वो सूख जाए। और इनको हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, डाल देंगे आधा चम्मच से थोड़ा कम लाल मिर्च पाउडर और डाल देंगे आधा चम्मच जीरा पाउडर और डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। और इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो अभी देख सकते हैं अरबी को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, एकदम ड्राई हो चुका है। तो अभी एक प्लेट पे अरबी को निकाल लेंगे। तो अभी वही कढ़ाई पे डाल देंगे ऑयल। तो मैंने यहाँ पे दो बड़ा चम्मच डाल दिया है ऑयल। और जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए इसमें डाल देंगे पहले आधा चम्मच जीरा। और जीरा डालने के बाद अभी इसमें डाल देंगे अजवाइन थोड़ा सा। और अजवाइन को डालने के बाद इसमें डाल देंगे हींग। तो इसमें और कोई कड़े मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। और इनको हल्का सा फ्राई होने देंगे। जैसे ही ये हल्का सा फ्राई हो जाए तो डाल देंगे प्याज। तो मैंने यहाँ पे दो बड़े साइज़ की प्याज को इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया है, वो डाल देंगे और प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे जब तक प्याज का कलर चेंज ना हो जाए। अभी देख सकते हैं प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अभी इसमें डाल देंगे एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और लो फ्लेम पे एक मिनट तक इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो अच्छे से चला जाए। तो मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अभी इसमें डाल देंगे मसाले। तो मैंने यहाँ पे एक चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और डाल देंगे एक चम्मच जीरा पाउडर। और सभी मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पहले। तो मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अभी इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ की टमाटर को बारीक बारीक कट करके डाल दिया है। तो टमाटर डालने के बाद डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप यहाँ पे टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो टमाटर को अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स करने के बाद अभी टमाटर को अच्छे से सॉफ्ट होने देंगे। तो अभी देख सकते हैं टमाटर अच्छी तरह से गल चुका है। तो अभी इसमें डाल देंगे एक कप जितना पानी और पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि मसाले का जो कच्चापन है वो अच्छी तरह से चला जाए और हमारा जो पानी है वो भी सारा सूख जाए। तो देख सकते हैं मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, मसाले ने ऑयल भी छोड़ दिया है। तो अभी इस तरह से अच्छे से फिर से थोड़ा मिक्स कर लेंगे। मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। अभी इसमें फ्राई किया हुआ अरबी को डाल देंगे और डालने के बाद मसालों के साथ अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अरबी को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर ली है। अभी इसमें डाल देंगे पानी। तो मैंने यहाँ पे दो ग्लास जितना डाल दिया है पानी और पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले।
और अभी गैस को मीडियम फ्लेम पे रख के 5 मिनट के लिए इसे ढक्कन से ढक कर रख देंगे ताकि जो अरबी है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। 5 मिनट के बाद ढक्कन को हटाएंगे और आप लोग देख सकते हैं हमारा जो अरबी है वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। तो इस तरह से थोड़ा चलाएंगे। इस अरबी की सब्जी पे और कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल से मसाले से बहुत ही टेस्टी अरबी की सब्जी बनकर तैयार होता है। तो चेक कर लेते हैं अरबी अच्छी तरह से पका है या नहीं। तो देख सकते हैं अरबी जो है वो अच्छी तरह से पक चुका है। तो अभी इसमें डाल देंगे कटी हुई हरा धनिया और हरा धनिया डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो लीजिए मज़ेदार मसाला अरबी की सब्जी बनकर तैयार है। तो आप लोग भी इस तरह से घर पर आसानी से इस मज़ेदार सब्जी को बनाकर जरूर ट्राई कीजिए और इंजॉय कीजिए मेरी रेसिपी को। तो मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय फ्रेंड्स।